इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस वंस ओन इमोशन, खुद के इमोशन एंड इमोशंस ऑफ अदर। मतलब अपने खुद के इमोशन को समझना और दूसरे के इमोशंस को समझना, इतनी एबिलिटी हो तो उसे कहेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जिसे रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड, समझना है, मैनेज करना है, इमोशंस को मैनेज भी करना है, ये इमोशनल इंटेलिजेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 की कंपोनेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, जो इमोशनली इंटेलिजेंट है वो अपने बारे में जानता है। सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड वैल्यू। खुद के इमोशन, खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस और वैल्यू को पता है हमें, इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। दिस इन्वॉल्व इमोशनल अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ असेसमेंट अच्छे से किया हो और कॉन्फिडेंस हो। नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन। इट इन्वॉल्व मैनेजिंग योर इमोशंस एंड इम्पल्सेस इन हेल्दी वे। सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद के इमोशन को समझना। दिस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, एडेप्टेबिलिटी एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सेल्फ रेगुलेशन है करना है, खुद को कंट्रोल करना है, खुद के इमोशन को कंट्रोल करना है, खुद के इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है इन हेल्दी वे। ये आता है किससे? सेल्फ कंट्रोल से, एडेप्टेबिलिटी से, और जो हम ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी मेंटेन रखते हैं उससे। नेक्स्ट है एम्पैथी, दूसरे की फीलिंग को समझना। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मेकअप ऑफ द अदर पीपल एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल रिएक्शन। एम्पैथी इन्वॉल्व सेंसिंग अदर्स फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव, दूसरे की फीलिंग को समझना, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, इसे कहते हैं एम्पैथी। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स। इट रिफर्स टू मैनेजिंग रिलेशनशिप टू मूव पीपल इन डिजायर्ड डायरेक्शन। दिस इंक्लूड इन्फ्लुएंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग बॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन। सोशल स्किल्स क्या है? सोसाइटी में रहने की स्किल, मतलब सोसाइटी में आप कैसे हैंडल करते हो लोगों को, लीडरशिप की क्वालिटी आपके पास है या नहीं है, होगी तो अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाओगे। कम्युनिकेशन एबिलिटी, कन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट करना, क्योंकि दो लोग हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकता है उसको मैनेज करने की, एंड कोऑपरेशन, ये है सोशल स्किल्स। नेक्स्ट मोटिवेशन। स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव ए स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस। मोटिवेशन हेल्प्स इन टेकिंग इनिशिएटिव। हम कोई भी काम करते हैं तो मोटिवेशन उस काम को करने में, शुरुआत करने में हेल्प करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड स्ट्रोंगर रिलेशनशिप। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। इट आल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रोंगर रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है इन अचीविंग पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो आपके जो भी गोल हैं आप उसको अचीव कर सकते हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने में और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।